कोशिश कर रहे हैं, लोग बैठेंगे सभी, क्योंकि आज शाम की मेरी मीटिंग तय है अध्यक्ष जी के साथ, आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ। कल की बात, आज कल जो नॉमिनेशन मेरा, हमारा घोषणा पत्र आएगा भाई साहब, घोषणा पत्र आएगा निश्चित रूप से, अगर उनका नाम है तो हम वहाँ उपलब्ध है। सूची कल जारी, सिल्ली से चुनाव लड़ेंगे या डुमरी की भी जोरदार चर्चा है। अभी कई जगहों पर है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग बोलते हैं यहाँ लड़ेंगे, पहले रामगढ़ गया तो रामगढ़ बोले, फिर डुमरी गए तो डुमरी, टुंडी गए तो टुंडी, सिंदरी गए तो सिंदरी, फिर ईचागढ़ के लिए भी लोग बात कर रहे हैं। आने तो सूची में रहेगा मेरा नाम, अगर दिए हैं लोग चले जाएंगे। 2014 के कोई फॉर्मूला नहीं था, 2014 एक कमिटमेंट था झारखंड की जनता के साथ, एक कमिटमेंट ये था कि जो अवस्था राज्य गठन के बाद से इस स्टेट में बनी थी उसे स्टेट को बाहर लाना था, तो ये गठबंधन उस समय सबसे बड़ा विषय था कि एक स्थायी सरकार देना, हमने उसमें अपनी कुर्बानी दी है। आपने देखा होगा कि हमारे ही विधायक जो हमारे प्रतिनिधि जिनको हमने तैयार करते हैं, चूंकि हमारे यहाँ संगठन में ये होता है कि जिनको चुनाव लड़ना है उनको हम लोग 4 साल पहले डिक्लेयर करते हैं। अभी आप अधिकतर देखेंगे जो पार्टी जिस पर दावा कर रही है वहाँ नाम लगभग तय रहता है कि वो विधानसभा प्रभारी के रूप में वो तैयारी करते हैं, पब्लिक को पहले पता रहता है कि कैंडिडेट कौन होगा, वो प्रभारी हैं, लोहरदगा की तो प्रभारी हैं। अच्छा, 19 जो आपने लिस्ट दिया है उसमें चंदन क्यारी और लोहरदगा भी शामिल है, जो 19 आपने, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है आपको, कई लोग इस तरह से है कि कई लोग पार्टी में आना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, कई लोग, कई राज्य के बड़े राजनीतिक चेहरा जो आना चाहते हैं, जो चुनाव में भाग लेना चाहते हैं। प्रथम दृष्टया पार्टी पहले अपने गठबंधन के अंदर अपने स्थापित विश्वास के ऊपर काम कर रही है, उसके बाद अगर चीजें आगे बढ़ेंगी तो हम लोग पुनर्विचार करेंगे। अच्छा, कहां जा रहे हैं, कहां जा रहा है, सुधीर से आपने 19 सीट पर दावा किया है, बीजेपी पहले ही 65 पार का नारा दे चुकी है, तो इसके बाद तो गलत कहां की है, 65 पार का नारा देने तो कोई दिक्कत नहीं, वो संयुक्त एनडीए 65 पार होते ना। सुरेश जी, ऐसा कहा जा रहा है कि आपने जो हटिया के विधायक है नवीन जायसवाल उनको 5 साल मंत्री नहीं बनने दिया और अब उन्हीं की सीट को लेकर पूरा मामला फंसा हुआ है। ये किसी निजी विचार हो सकता है किसी का, किसी अगर किसी अखबार ने भी इसको आगे किया है तो वो अखबार का अपना विचार हो सकता है, मेरा किसी प्रत्याशी या फिर हमारे किसी रिश्ते इसमें कोई इस तरह का मेरी टिप्पणी नहीं है, ना मैं ऐसा करूंगा, और भविष्य में जब आप देखेंगे तो इसे एकदम डिफर आपको मेरा सूची दिखाई देगा। बिल्कुल, ये आवश्यक है, चूंकि बीच के कार्यकाल में आपने देखा कि मैं सहयोगी के रूप में भी संगठन ने मैं वही बात आपको कर रहा हूँ कि लगातार आप देखे होंगे कि जितना झारखंड के ऐसे विषय जो कहीं ना कहीं यहाँ के जनभावना के अनुकूल नहीं था, इस विषय पर सत्ता पक्ष की दल होके भी हमने विपक्ष से तेज अपना मुखर अपनी बातों को रखने का काम किया है। सड़क से होकर सदन तक और सदन से लेकर मंत्रालय तक हमारे प्रतिनिधि इस विषय को अवगत कराते रहे, और आप किसी भी विपक्ष के दल से ज्यादा मुखर हम रहे, और लिखित रूप से जिन विषय जो जब जो विषय आया है हमने दल को एक दस्तावेज बना दिया, विषय को दस्तावेज बना दिया, कोई भी दल केवल दो बात कहते हैं और फिर निकल जाते हैं, मैंने उसको दस्तावेज बनाया है, चाहे स्थानीयता का मामला हो, चाहे कोई भी मामला जो आया है CNT SPT का मामला हो, कि हम क्या चाहते हैं, मेरे रिकॉर्ड्स हैं, मैं उसमें अलग नहीं हो सकता, मेरी पार्टी का भी अलग नहीं हो सकती है। तो जब जब ऐसे मुद्दे आए उस पर राय देने में हम लोग पीछे नहीं हटे, और उसके लिए जमीनी रूप पे आम जनमानस के साथ हम लोग आगे गए। इसीलिए मैंने कहा कि कई वैधानिक विषय है जिसमें आपस में सहमति बननी आवश्यक है इस राज्य के हित में, यहाँ के लोगों के हित में, वो भी बड़ा आधार हो सकता है, वो भी मेरे लिए सीट के बराबर वो है। झारखंड के लिए वैधानिक रूप से लोगों के स्वाभिमान की सुरक्षा भी हमारा दायित्व है, अगर ऐसा कोई भी मामला जो विचार में अलग अलग रूप से आएगा तो केवल सीट शेयरिंग विषय हमारा नहीं होगा तो भी हम लोग विचार करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश एनडीए 2019 में एक बड़ी जीत ले, और ये कोशिश होगी कि ये दोनों दल सहमत के साथ इस काम में आगे बढ़ेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र की आप बातें कर रहे हैं, जो पिछले दिनों घोषणाएं हुई थी, जो 2014 में आपने घोषणा पत्र में शामिल किया था विशेष राज्य का दर्जा था, या ओबीसी को 27% आरक्षण का मुद्दा था, वो
ये वैधानिक, ये मेरे ऐसे ही सारे विषय वैधानिक रूप से हैं जिससे चर्चा होनी है। भाजपा के विधायक का एक वीडियो लोक कल्याणकारी वीडियो सामने आया है, उस पे एक लाइन रहेगा। सर जी, आपने 10 जगहों पर प्रमुख किसान आंदोलन शुरुआत किया है, क्या आपको लगता है कि हरियाणा के जेजेपी के दम पर आप एक पॉलिटिकल पावर के रूप में उभर रहे हैं? मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है पॉलिटिकल पावर के रूप में पार्टी का उभरना, ये तो पार्टी की मंशा है एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होना, क्योंकि एक छत्र शक्ति से इस राज्य का गठन का और गठन के बाद एक पॉलिटिकल शक्ति के रूप में राज्य में विस्तार का, ये तो पार्टी का अपना निश्चित रूप से ये हमारा अपना कार्यक्रम है जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। ये भाजपा नेतृत्व के साथ लेकिन तुलनात्मक नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा तो रिश्ता बड़ा पुराना है यहाँ विषयों से। भाजपा नेतृत्व के साथ मुख्यमंत्री पद को लेकर भी बातचीत होगी? नहीं, अभी पार्टी ने संयुक्त रूप से अभी जो मेरी जानकारी है कोई चेहरा अभी सामने तो है नहीं, संगठन ने कोई संयुक्त रूप से हमारा कोई चेहरा आने वाले चुनाव के लिए या फिर एनडीए चुनाव लड़ेगा तो ऐसा कोई घोषणा हुई नहीं है। प्रदेश प्रभारी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने तो मुख्यमंत्री के चेहरे पे सहमति जताई, उन्होंने कहा कि अभी मैं नहीं जानता, मेरी जानकारी जब हम लोग आएंगे, जब मैंने कहा कॉमन प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो इस तरह का कोई निर्णय हमसे कोई सहमति नहीं ली गई। तो क्या विपक्ष